I'll be also very honest, ये कोई pride की बात नहीं है कि मुझको सवाल जवाब पूछे गए, ना मेरे देश के लिए pride की बात है, ना मेरे लिए personally as a human being pride की बात है, और मैं उसको publicity बना दूँ. And I will again go when work calls me. I will again stand in that line, and I hope that the system and the process which has popped my name up in the computer is not there. If it is there, I'll take off my shoes and still answer all the questions. So it's not a big deal at all. The system can be made कि जो लोग काम करने आ रहे हैं normal हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा upgrade करना पड़ेगा. 9/11 के बाद upgrade नहीं हुआ है. और अगर किसी का नाम मुझसे कॉमन है तो या तो मैं ही नाम बदल लूँ. मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार शाहरुख खान नाम क्यों वहाँ पे हो. पहले तो मैं सही से ही कह दूँ कि मुझको ऐसा लगता नहीं कोई बड़ा तमाशा था या कुछ था. ऑब्वियसली मैंने जहाँ पे फ़ोन किया था थोड़ा हेल्प के लिए, जो लोगों को मैं जानता हूँ, तो आई थिंक वो भी मीडिया से रिलेटेड हैं, तो एक न्यूज़ में आ गया, फिर आप लोगों ने उसको फॉलोअप किया. और थैंक यू कि इतना पैशन और इतना साथ निभाया. लेकिन उनका एक प्रोसीजर है. बिकॉज आई थिंक द मेन थिंग इज दे शुड टेक योर फिंगरप्रिंट एंड रेटिना स्कैन, फॉर विच वी गो टू द वीजा ऑफिस हियर. वी स्टैंड इन द क्यू एंड गेट दैट डन. दे डिडंट एंड फाइनली लेट मी जस्ट से दिस, दे लेट मी गो विदाउट टेकिंग माय फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन. मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग ऐसा सोचेंगे कि हम उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं. वो फिल्म जब करूँगा पब्लिसिटी ऐसी करूँगा कि हिला के रख दूंगा दुनिया को मैं. I just found it strange that, you know, my name is popping up on the computer. I respect that. I also respect the fact I've been through this. I don't think I need to be treated specially. I'm nobody. Let me be very honest. In front of a rule or a procedure, none of us are anybody. I've got security in my house.